गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है मॉडल्स, मे माइट ते कैन। बहुत सारे बच्चे इन्हों का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, बट जब तुसी परमिशन, पॉसिबिलिटी, अबिलिटी, विश, सर्टनटी ते रिक्वेस्ट की गल करनी है, उस टाइम ते मे माइट या कैन यूज करने है। पंच एग्जाम्पल्स की हेल्प के नाल तुहानू ये रूल्स क्लीयर हो जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई डैश स्मैल अ फायर बर्निंग। देखो इतने एक हिंट दिता हुआ है ब्रैकेट विच, वह की है शोइंग अबिलिटी, यानी कि जो आप अबिलिटी की गल करनी है, चाहे वह अबिलिटी फिजिकल है तो चाहे मैंटल, उस टाइम पर आप कैन यूज करने। सैकेंड डैश ही सोल रेस्ट इन पीस, इतने आप एक विश कर रहे हैं कि जिस डेड परसन की आप गल कर रहे हैं उसकी आत्मा को शांति मिले, तो जो विश की गल होती है उस टाइम पर आप मे यूज करेंगे, चाहे वह विश मैरिडिक्शन है तो चाहे बेनीडिक्शन। थर्ड ही डैश बी हाइडिंग, हम देखो इस सेंटेंस के श्योरिटी भी है तो डाउट भी, तो इस तरह के केस में की फील करोगे कैन। एंड माई फोर्थ एग्जाम्पल इज राम डैश कम टूडे, जो कि ये शो कर रहे हैं कि ये बहुत अनसर्टन है, यानी कि राम का आना अनसर्टन है, निश्चित नहीं है, मतलब ये अपन कोई श्योरिटी नहीं कि राम आएगा या नहीं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि राम नहीं आएगा, तो इस तरह के केसिस जो तो अनसर्टनटी ज़्यादा हुई उस टाइम पर माइट यूज करेंगे। फिफ्थ सेंटेंस है डैश आई टेक लीव ऑफ यू, इस सेंटेंस के परमिशन लैन की गल हो रही है, तो जो भी आप परमिशन देनी हो या लेनी हो या फिर रिक्वेस्ट करनी हो उस टाइम पर मे फील करांगे। यह रिक्वेस्ट ये परमिशन आम तौर पर फॉर्मल होंगी है। आई होप तुम्हें यह सारे रूल्स चंगी तरह समझ आ गए होंगे। इफ येस दैन कमेंट ऑल द आंसर्स बिलो। हीयर आर 20 क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। आई होप तुहानू ये वीडियो बहुत हेल्पफुल ते यूजफुल लगी होएगी। इफ येस दैन काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।